तो बताइए जी इनके बारे में थोड़ा सा। देखो सोभित जी, हाँ जी, जैसे रिडक्शन गियर होते हैं। अच्छा जी, ये 1000 RPM के लिए करा रही है। 1000 RPM के लिए? अच्छा जी। ये 740 RPM के लिए करा रही है, 15-20। अच्छा जी। ये 12-23 करा रही है। अच्छा जी। 16-19, 17-18। ये है 540 RPM के लिए। 540 RPM। हाँ, जैसे जैसे मतलब 500 ट्रैक्टर, 50 HP के ट्रैक्टर, उन पर 17-18 चल जाती है। अच्छा जी। 40 HP, 45 HP ट्रैक्टर, उन पर 16-19 की चलती है, ठीक है नहीं? अच्छा जी। तो हम सब किसान भाई क्या काम करते हैं, हमें किसान भाई ने ट्रैक्टर बताया, हाँ ये मेरे पास ये ट्रैक्टर है, हमने क्या काम किया, उसके ट्रैक्टर के हिसाब से गियर सेट डाला। अच्छा अच्छा, भेज दिया। अच्छा, यही सब? अच्छा, यही से सेट कर देते हैं हम उसको। हमें अच्छा, अच्छा, अपने को एक्सपीरियंस हो गया धीरे धीरे, कौन सा ट्रैक्टर कितने आरपीएम में कितने में चलता है। अच्छा, अब ये साइड गियर सेट है। अच्छा, ये 20, 35, 28 जैसे मैंने बताया था, 20 का, ये 35 का, ये ऐसे होता है। हाँ जी, ठीक है। 20, 35, 28 ये साइड गियर है। हाँ जी। तो मतलब किसान भाई को ये नहीं है कि जैसे शक्तिमान में यही 20, 35, 28 रहता है। अच्छा जी। तो मतलब उसको दिक्कत नहीं आएगी? दिक्कत नहीं आएगी, ये भी शक्तिमान वाले से वही है, 10 अपलाइन के अंदर जो होते हैं, ठीक है। तो उसको दिक्कत नहीं, कभी भी स्पेयर पार्ट में नहीं आएगी। बैरिंग है, आप इसके बैरिंग भी जो वो 63-11 नंबर 30 पिनों के है ना। अच्छा, अच्छा। और अच्छी कंपनी का बैरिंग है, SKF का हो गया, SKF तो हाँ, NBC का हो गया। हाँ जी, NBC। तो ये अच्छी कंपनी है, इनमें से 2 या 3 कंपनी जो चुनिंदा कंपनी है उनके बैरिंग डालते हैं कंपनी। देखो बैरिंग तो खुद नहीं बनाती, हम आपको बता दें। हाँ जी, पर ये ब्रांड जो अच्छी कंपनी इनसे बैरिंग लेती है, इनसे बैरिंग। हाँ, इन सब। हाँ जी, इसका है, इसका ट्रैक्टर वैक्टर में बाहर से ही आए हैं सब जो लग लगते हैं इसमें बैरिंग। तो ये बहुत जेन्युइन जानकार, कोई सा भी ट्रैक्टर मान लो लेकर आ रहा किसान यार रोटावेटर, तो आप उसे ट्रैक्टर मत लेकर आओ आप। अच्छा, अब हमें ट्रैक्टर बता दो बस, वही से भाई मेरा ट्रैक्टर ये मॉडल ये ट्रैक्टर। अच्छा जी, हमें नहीं भी जानकारी तो नेट से निकाल लो, नेट से निकाल लो कितने आरपीएम है। हां जी, ये नहीं सीधा डाल के। तो ये 35 से स्टार्ट हो गए ये बता रहे? तो ये गरारियां साइड वाली होती हैं। हाँ जी, ये 540 से लेकर के 1000 RPM तक के लिए गरारियां हमारे पास है, 540 से 1000 तक। हाँ। अच्छा जी, तो ये सबसे छोटे पे कौन सा ट्रैक्टर HP किस वाइज रहेगी, थोड़ा बताओ अगर समय। जो जैसे 35 HP, हाँ, जैसे फार्मटेक 39 है। हाँ जी, या सोनाली का 35 है। हाँ जी, या ये 16735 तो उन पे 16 गियर सेट चलता है, ये चला गया उन पे। अच्छा जी, और जैसे कि मैसी 45 है, 41 है। अच्छा जी, मैसी 10-35 है, या फार्मटेक पुराने हैं। अच्छा जी, ज्यादा चक्कर थे, ज्यादा चक्कर थे। अच्छा, 15-20 गियर चलता है। अच्छा जी, अब ये जो हमारा 17-18 गियर सेट है, ये फार्मटेक 45 हो गया, आईएसआर 485 हो गया, महिंद्रा हो गया 575, 475 हो गया। अच्छा जी, 585 महिंद्रा हो गया। अच्छा, या अच्छा, न्यू लैंड हो गया। हाँ हाँ, उन पे 17-18 गियर सेट चलता है, उन पे चलते हैं। 1000 RPM के लिए तो एक रेसेट है 12-23 का। अच्छा, 1000 के लिए, 1000 के लिए। तो बड़ी डिटेल में जानकारी दी है ये ना किसान भाई, ये बात देखो बताता नहीं थी जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, किसान भाई को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी जानकारी इस चीज की होनी चाहिए कौन सा गेट सेट डला हुआ है। हाँ, इतनी जानकारी जो है, इतनी डिटेल में आपने ये बात बताई है, बाकी ये है थी, ये तो अलग आर गियर, ये साइड गियर सेट है, इसलिए दिखाया किसानों को पता होना चाहिए कि भाई साइड गियर सेट जो है सेम शक्तिमान साइड जी। हाँ, सेम सब वही है जी, है ना जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी है किसान भाई उन्होंने, हर का आपके पास में जो भी ट्रैक्टर है मतलब कोई सा भी है उसके साथ में बिल्कुल मैच मिला के बिल्कुल 35 HP प्लस ट्रैक्टर ले आओ। हाँ जी, और परम का 7 फुट का रोटर ले। हाँ, परम 7 फुट का रोटावेटर। कुछ किसान भाई कहते हैं मुझे 6 फुट चाहिए, तो हम 6 फुट भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर 7 फुट चलता है। हाँ, 7 फुट चलता है, हम जबरदस्ती भी देते। हाँ जी, हाँ हाँ भाई, तेरा ले 35 फुट ट्रैक्टर है। हाँ जी, वो 7 फुट ले जाए नहीं, हाँ जब चला, हाँ इच्छा है जी, पर 7 फुट चल जाता है, 7 फुट चल जा, बढ़िया चलता है। हाँ जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।